सर्दियों के मौसम में अधिकतर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं लगातार सामने आती ही रहती हैं, जिसको लेकर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक जन जागरण अभियान चलाया है। इस दौरान न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शमशेर द्विवेदी ने कहा कि सर्दियों में मौसम में लोग अक्सर पानी कम पीते हैं, जिससे कि ब्लड क्लॉट्स जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस कारण कार्डियटक अरेस्ट, ब्रिस्टर ब्रेन स्ट्रोक की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। और इसी के लिए सर्दियों के मौसम में लोगों को एक दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना ही चाहिए और अपने शरीर को हाइड्रोट्रेड रखना चाहिए। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। को हम सर्दी जुकाम खांसी से एसोसिएट करते हैं, लेकिन ठंड जो है उस समय जो रक्त की धमनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। उसकी वजह से ये हवाओं को अपने शरीर पे ना लें। तीसरी बात, ठंड की वजह से आदमी को प्यास कम लगती है। This is the time where we stand apart from other hospitals. In our emergency, there are always the senior doctors available, and the junior doctors are also available who are well trained in the emergency, who are trained in the emergency for 3 years with the intense training. So, हमारे यहाँ पर कोई भी trainees नहीं होते हैं. All the doctors are available who can take care of the who are actually well equipped in their emergency physicians. Emergency per se is a very new branch in our country. It is like a baby budding branch. So a lot of people doesn't know about it, but in our hospital we have a fully equipped emergency department.